हमारी वीडियो का टॉपिक है हैप्पी हाइपोक्सिया और यू कैन से साइलेंट हाइपोक्सिया। अभी तक क्या था कि यंगस्टर्स इस बात से बहुत खुश थे कि चलो हम इम्यूनिटी हमारी अच्छी है, हम सेफ हैं कोरोना से। लेकिन अभी हैप्पी हाइपोक्सिया होने लगा है, मींस कि पेशेंट को फील ही नहीं होता कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो चुकी है कि वो नॉर्मल फंक्शनिंग भी नहीं हो पा रही और ये इसकी वजह से डेथ हो जा रही है। यदि कोई पेशेंट हैप्पी हाइपोक्सिया से सफर कर रहा है तो 4 to 5 days में उसकी डेथ हो जा रही है। तो इसलिए ये बात समझनी और जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हैप्पी हाइपोक्सिया है क्या और हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं। नॉर्मल जो हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो 95 या 95 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन यदि आपको फील होता है कि 94 से नीचे जा रही है और हमें कोई सिम्टम नहीं है तो उस कंडीशन में भी हैप्पी हाइपोक्सिया हो सकता है। नॉर्मली हाइपोक्सिया क्या होता है कि हमें एक सिग्नल देता है, वार्निंग देता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो रही है। हमारी किडनी हुई, हमारा लिवर हुआ या हमारे लंग्स हुए, उसको रिक्वायरमेंट ज्यादा है और जिसकी वजह से थोड़ी ब्रेथलेसनेस हो जाती है, तो हमें ये पता चलता है ये हाइपोक्सिया कंडीशन है। लेकिन जो हमारा साइलेंट हाइपोक्सिया है उसमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती। क्या होता है, सिर्फ सिंपल हमें फीवर हुआ, डायरिया हुआ, हम सोच रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो सही हो जाएगा, हमें कोई शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ नहीं है तो ठीक हो जाएगा। नहीं, इस कंडीशन पे हम इन चीजों पे ध्यान ज्यादा देने लगते हैं और अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल पे ध्यान नहीं देते। ये चीजें आपको खुद नोटिस करनी है, कोई और इसको नोटिस नहीं कर पाएगा कि आपके कहीं लिप्स का कलर तो नहीं चेंज हो रहा, नॉर्मल कलर से पर्पलिश तो नहीं हो रहा, या फिर जो आपकी स्किन है वो आपकी थोड़ी रेडिश, ज्यादा रेडिश या फिर पर्पलिश तो नहीं हो रही। या फिर आपने ये नोटिस किया कि जब आपने अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करी थी पल्स ऑक्सीमीटर से तो हमारी हार्ट रेट या तो बहुत ज्यादा हो रही थी या बहुत कम हो रही थी, तो ये सारी चीजें भी नोटिस करनी है। या फिर हम लेटे तो हमें बहुत एकदम से हफहफी सी आने लगी, या फिर एकदम लेट कर उठे तो भी हफहफी आ रही है, या फिर एकदम से हम कुछ काम करने लगे तो बहुत तेज स्वेट आने लगा, या फिर कफ हो रहा है हमें, या फिर हर चीज में कंफ्यूजन सा फील हो रहा है, तो ये सारे भी हमारे साइलेंट हाइपोक्सिया या फिर हैप्पी हाइपोक्सिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि आपको फील हो रहा है कि हल्का सा मुझे कफ हो रहा है या स्वेटिंग हो रही है या फीवर हो रहा है, डायरिया हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हर टाइम पे हमें फ्रीक्वेंटली अपनी SpO2 जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो चेक करनी है और अपने डॉक्टर से एक बार कॉन्टेक्ट करना है, डॉक्टर को बताना है सो देट की चीजें पहले ही कंट्रोल हो जाए और आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करने से पहले ही बचा लें। छोटी सी वीडियो में मैंने आपको हैप्पी हाइपोक्सिया का कंसेप्ट क्लियर किया है। हो सकता है कि आपको कोई और भी कंफ्यूजन हो या कोई और क्वेरी हो तो प्लीज मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।